हाय फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो भी आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। ये कोई क्लिक बाइट नहीं है, वाकई में ऐसा डीवीआर मार्केट में अवेलेबल है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको एक्टिव पिक्सल मेक डीवीआर को लेकर ये डेमो प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये कैसे होगा। 4 कैमरे का डीवीआर को आप 16 कैमरे के एनवीआर में तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और पसंद आई वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जवाब देना चाहूँगा मेरे कमेंट्स का। मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू कनेक्ट डीवीआर टू एनवीआर। तो उस वीडियो के बारे में कमेंट आया है कि अगर आप लोगों को उससे आईपी कैमरास कनेक्ट करने हैं तो किस तरह कनेक्ट करें। तो मैंने डेमो के लिए दोस्तों देखिए उसको सिर्फ एक लैन केबल में डीवीआर और एनवीआर को कनेक्ट किया था, लेकिन आप ऐसा ना कीजिए। आप डीवीआर को, एनवीआर को और जितने भी आईपी कैमरास आप उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं उन सबको एक सेम लैन में स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। मैंने सिर्फ डेमो दिखाने के लिए डीवीआर और एनवीआर को ही एक लैन केबल से कनेक्ट करके आपको दिखाया था। तो यही मुझे कमेंट्स का जवाब देना था। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो लिंक ओपन करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम और अब आ चुके हैं मेरे डीवीआर स्क्रीन की तरफ। 4 चैनल का जो डीवीआर मैंने आपको बताया था एक्टिव पिक्सल का, वो मैंने अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर चुका हूँ। इसमें मेन मेनू में जाइए, आपके डीवीआर का यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है उसको एंटर करने के बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद सिस्टम में जाइए, मैं आपको जूम करके भी बता रहा हूँ। सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ये डिजिटल ऑप्शन आएगा, डिजिटल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद चैनल टाइप आएगा, चैनल टाइप पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये मेनू खुलेगा, इसमें देखिए अलग अलग मोड्स बता रहे हैं। 4 1080 पिक्सल कैमरास, 4 5 MP के कैमरास, 2 1080 और 2 1080 आईपी कैमरास, 4 1080 और 4 960p आईपी कैमरास, उसके बाद 16 IP कैमरास, 9 IP कैमरास और 16 960p आईपी कैमरास और 4 5 MP आईपी कैमरास। तो जो मोड आप सिलेक्ट करेंगे आपके डीवीआर में वही कैमरास कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 16 1080 पिक्सल आईपी कैमरास के मोड पे इस डीवीआर को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। इसको ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए। अब आपका डीवीआर रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद इस डीवीआर पे 16 IP कैमरास का विंडो खुलेगा। ये डीवीआर रिस्टार्ट हो चुका है, देखिए डीवीआर अब 16 चैनल का एनवीआर बन चुका है। इसमें आप 16 1080 पिक्सल के 16 कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे कैमरास बता रहे हैं। आईपी कैमरास कैसे कनेक्ट करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर